नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसी रही आज की ट्रेडिंग? जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिया था, दोनों में ही आपको जबरदस्त प्रॉफिट बन गया। देखिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग कल के थर्सडे एक्सपायरी डे क्लियरेंसेस करेंगे 18 मई 2023 के लिए। लेकिन पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। देखिए, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 44,000 का दिया था, फाइनल टारगेट 320, और इसका अगर प्राइस अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन, तो आप 44,000 के पुट ऑप्शन का एनालाइज करें तो जबरदस्त आपको रिटर्न मिला। हाई कितना कम आ रहा, बाद में रिजेक्शन आया, लेकिन 320 हमारा फाइनल टारगेट था और उस टारगेट से भी ये 556 रुपए तक चला गया। आप देख रहे हैं, जबरदस्त। इसी तरह कॉल ऑप्शन दिया, कॉल ऑप्शन में टारगेट आ गया, तो सारे टारगेट आ गए। यूपीएल दिया, यूपीएल के टारगेट आ गए। फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करिए इस सर्विस को। अब एक्सपायरी डे पे कहां पे एक्शन हो सकता है, इसको समझते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी वाला काम आज ही कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, बिल्कुल दोनों साइड के मूव दिया, दोनों साइड का मूव दिया, और एग्जैक्ट सपोर्ट और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलता है, वहां से उसने बिहेव किया है। अभी ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 44,200 का है, बड़ा वाला। नीचे सपोर्ट एरिया 43,500, पहले 43,800 था, फिर 43,800 के बाद मैंने कहा था वो अगर वो टूटेगा तो 43,500 तक आना चाहिए, और ये 43,446 का लो मार दिया, यानी कि 43,500 के आसपास का, समझिए। वहां से क्लोजिंग किया 43,700 पर। ये क्लोजिंग जो देख रहे हैं ना, नीचे से बॉडी पूरी की पूरी आधी कर गई, माने ये नीचे से जो लो बना लगाया 446 से वहां 698 पे क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है 250 पॉइंट ऊपर जाके वो क्लोज कर रहा है। तो स्ट्रेंथ नीचे से दिखाया, ये आप समझिए, स्ट्रेंथ कहां से दिखाया, वो नीचे से दिखाया। तो आप समझिए कि क्या आप इसके पहले सेल करेंगे? अब मैंने जो लाइन लगा रखा है आपके सामने, समझिए, ये जो एरिया है ये हमारा है पेशेंस टेस्ट का एरिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से पेशेंस टेस्ट किया और इसके बाद कैसे ऊपर गया। तो मैंने कल क्या बोला था, मैंने यही पैटर्न बनाया था। कल ये इंडेक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, कल ये इंडेक्स यहाँ पे था, ऐसे था, और मैंने बोला था कि अगर ये इंडेक्स इस तरह से गया है तो ये पैटर्न पूरा करने के लिए आएगा कंप्लीट। तो किया कि नहीं, आज कंप्लीट कर गया ना। आप कल वाला वीडियो जाके देखिए, मैंने साफ बोला था कि ये इस तरह से पैटर्न को क्लियर करेगा, ये इस तरह से पहले 43,600 और 43,500 तक आएगा, जाके आप देख लीजिएगा वीडियो, मैंने कहा था। तो पैटर्न कंप्लीट कर लिया और काम फिनिश भी हो गया। अब हमें नीचे के लिए कुछ नहीं बचा, इसमें अब नीचे के लिए हम कुछ नहीं बचा अभी, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा था कि कल रात, अब आज रात में कुछ भयानक न्यूज हो जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात, लेकिन नीचे का काम फिनिश कर दिया। अगर न्यूज वगैरह कुछ खराब नहीं आया तो अब ये नीचे का जो लेवल है 43,400, इसके नीचे ये नहीं जाएगा जैसे चांस बनता है। दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये क्या हो गया, सपोर्ट लेवल, अब इसके नीचे नहीं जाएगा। एक बात समझ में आ गया आपको, ओके। ऊपर तो ऊपर यहाँ पे देखिए, इसको पकड़ना है, फिर इसको पकड़ना, ये पॉइंट पकड़ते जाइए। क्यों पकड़ना है इस पॉइंट को, क्योंकि ये ही पॉइंट पहले आपका रिजेक्शन था ना, इसके ऊपर नहीं जा रहे थे, फिर ऊपर भागे, तो इसी पॉइंट पे देखिए आज भी आके रुक गया है ना, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इसी को ब्रेक करके बहुत अच्छा से ऊपर गए, यहीं पर होल्ड भी किए, तो इसी जगह पे आके हो गया। तो कल अगर फिर से इस एरिया के ऊपर निकलता है 43,775 से 43,800, सिंपल समझिए 43,800, तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो बाय करिए 43,800 के ऊपर, इसमें शर्माना ही नहीं, घबराना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। डे वाइज पे क्लोजिंग देखते हैं तो 43,700 पे कर रहा है और हमारा लेवल बन रहा है 43,800 पे, तो भाई वो करना पड़ेगा, 43,775 से लेके 800 के ऊपर ही निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे, और टारगेट होगा 43,900, 44,000, और 44,000 पहला रजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 44,100 से लेके 44,150 ये वाला जो हाई एरिया वहां तक ये आ सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेके चलिए, कॉल ऑप्शन आप 43,800 का ले लीजिए, 43,800 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। मान लीजिए ये रिजेक्शन आता है, ऊपर नहीं गया,
रिजेक्शन आ गया तब, तो आप यहाँ पे देख रहे कि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये एरिया देखिए सपोर्ट होता था, आप ध्यान से देखिए चीज, इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट एनालिसिस करिए। यहाँ पे देखिए जब इसके नीचे गिरेगा तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, तो हम 43,700 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं ना, 698 पे ना, डेली वाइज में देखिए आप 698 की क्लोजिंग कर रहे हैं, तो अगर ये 600 इस एरिया के नीचे 650 से 600 के नीचे अगर गिरता है तब आपको एक बार सेल का लेवल बन सकता है। फिर से समझिए, सेल के भी लेवल समझिए, 43,650 से लेके 43,600 के अगर नीचे निकलता है तब आप जरूर सेल करिए, और टारगेट आपको 43,500 और 43,400 ये वाला जो एरिया वहां आ सकता है। इस एरिया के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया 43,400 के नीचे, तब आपको टारगेट 43,300 से लेके 43,200 और फिर बड़ा वाला सपोर्ट एरिया जो 43,000 का बनता है वहां तक आने का चांस बना सकता है। हालांकि ये कोशिश करेगा 43,400 से ही बाउंस कर जाने का, ये सपोर्ट काम कर रहा है, लेकिन आप इस अवस्था में क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे और 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ले लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो दो बातें याद रखिएगा कि नीचे का काम ये लगभग फिनिश कर चुका है, अब ये नीचे नहीं जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब ये नीचे का काम इस तरह से होने के लिए इसको टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक ये 43,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। इसके नीचे जाने पर जरूर सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर जाने के लिए 43,800 का लेवल इसके ऊपर जाएगा तभी, क्लियर है। तो दो तीन बातें आपके समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में। मान लीजिए गैप अप होके अभी 43,700 पे क्लोज कर रहे हैं और 500 पॉइंट 43,200 पे 44,200 पे ओपन हो गया, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारण बस 44,200 पर, तो कल एक्सपायरी है, आपको सोचना भी नहीं है, सेल कर देना है, एकदम सेल करिए कोई दिक्कत नहीं, 44,100 पर ओपन होता है, आप यहाँ पे भी सेल करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस दो एरिया पे मिले तभी सेल करना है गैप अप में, है ना, ऐसा नहीं कि दिन भर में ऐसे नीचे से होकर ऊपर जाता है तब आप करिए, नहीं, अगर ये डायरेक्टली खुलता है तब, तो आपको टारगेट नीचे की साइड में होगा 44,000 उसके बाद जो बनेगा वो 43,900 43,800 43,700 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है, क्लियर है, ये लेवल तक वापस आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 44,200 के स्टैक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और ये गैप डाउन हो गया तब नीचे ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया था, तो नीचे अगर ये 43,400 पे खुलता है 43,300 पे खुलता है 43,200 पे खुलता है, देखते जाइए यहाँ पे 200 पे अगर खुल जाए 43,200 पे तो नीचे का काम लगभग फिनिश कर लिया, फिर अगर डायरेक्टली खुल जाए तो यहाँ बाय करेंगे, 300 पे भी खुलेगा तो बाय करेंगे, 400 पे भी खुलेगा ना तब भी आप बाय कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 400 से ज्यादा कंफर्ट आपको बनेगा 43,200 से 300 के एरिया के आसपास अगर ये खुलता है तब आपको यहाँ पर ज्यादा कंफर्ट बनेगा। तो अगर 400 पे भी आप बाय करते हैं तो नीचे आने के बाद आपको क्वांटिटी को ऐड कर लेना चाहिए, और देन टारगेट आपको ऊपर 43,500 से लेके 43,800 तक के टारगेट फिर आपको बन सकता है, फिर आप इस अवस्था में कॉल ऑप्शन ले लीजिए, कॉल ऑप्शन 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही लेवल को जबरदस्त रिस्पेक्ट किया दोस्तों, और सारे टारगेट डन हो गए, है ना। आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं भी फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूँ। तो निफ्टी ने भी देखिए शानदार तरीके से पैटर्न कंप्लीट किया और उस लेवल के पास आके होल्ड कर गया है, देख रहे हैं यहाँ पे जबरदस्त। निफ्टी ने भी ऊपर का देखिए दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वैलिड है 18,450 के आसपास का, और इसने देखिए क्या शानदार पैटर्न बनाया, और ये जो रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट हो रहा था अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन फाइनली आप देखिए 18,197 पर लास्ट इसने जो 3:15 की कैंडल है वो टच किया। इसका डेली का क्लोजिंग देखना, अगर डेली का क्लोजिंग इसके ऊपर कर जाए तो डेली का क्लोजिंग अगर आप देख रहे हैं तो 18,182 के आसपास में है, और ठीक उसी के पास में इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में जो कि पहले सपोर्ट हो रहा था अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आपको अगर खरीदने की जल्दी हो ना तो 18,215 के ऊपर खरीदिए। अगर आपको यहां से देखिए किस तरह से आपको समझना है बात को, आपको इस तरह से ये वाला एरिया को कंप्लीट करने दीजिए, इस एरिया के ऊपर ये छोटा वाला एक लाइन बना देगा, इसके बाद अगर ये निकलता है ना यहाँ से तो एक आपको रैली दिखाई देगा 18,215 से 220 के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिखिए कि अगर आपको बाय करना है तो 18,220 लिख लीजिए, रिस्की ट्रेडर है तो 18,215 के ऊपर अभी आप बाय करके चल सकते हैं, क्लोजिंग 18
180 के आसपास में, 81 के आसपास में किया तो 40 पॉइंट ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टारगेट तब इस कंडीशन में 18,250 और 18,275, 18,300। अब देखिएगा ये 300 पर आके रुकेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। अब ये जो लाइन बढ़ाई ये 18,275 का एरिया है, इसलिए मैंने आपको ये टारगेट दिया 18,275। और ऊपर का एरिया देख रहे हैं 18,300 से लेकर 325 का है, तो यहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है, जिसके बाद ही इसमें गिरावट आया था। फिर ये इस पैटर्न को इस तरह से ये कंप्लीट करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तब टारगेट मैक्सिमम 18,325 तक का कल के लिए आप देख सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। अब सेल साइड में देखते हैं। अब मान लीजिए ये इस तरह से नहीं गया, यहाँ पर से गया और यहीं से ये गिर गया नीचे, तो जब तक कल का लो, आज का लो जब तक ये नहीं काटे, हम सेल साइड में नहीं जाएंगे। इसका सीधा गप है, 18,100 के नीचे हम सेल करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि 18,180 पर क्लोज कर रहा है, 100 पर 80 पॉइंट कौन रुकेगा? तो भाई रुकना पड़ेगा, पैसे तभी बनते हैं, वेट करने का ही मार्केट पैसा देता है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 18,150 के नीचे सेल करिए और 18,100 के नीचे और सेल मारिए। और इस दोनों कंडीशन में नीचे टारगेट 18,050, 18,000 का सपोर्ट एरिया, यहाँ पर आके ये स्टॉप हो जाएगा, पॉज ले लेगा, रुक जाएगा 18,000 पे, क्योंकि 18,000 जो है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर आपको एक बार रुकता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर ये रुकता है तो एक बार इस तरह से बाउंस करेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 18,000 पे आता है ना उसके आसपास, तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। और जब ये बाउंस करके दोबारा 18,000 को ब्रेक करे तो फिर री एंट्री सेल साइड कर सकते हैं, और तब कंडीशन में टारगेट 17,950 से 17,900 तक के टारगेट बन जाएंगे। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए, 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। देखिए एकदम लेवल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करता हूँ गैप अप का। तो गैप अप सिनेरियो के बनने के चांस हो सकते हैं कि मान लीजिए 150-200 पॉइंट ओपन होता है तो ये कम से कम 18,200 पे ट्रेड क्लोज कर रहा है ना, 350 ये हडल पर ओपन हो गया। यहाँ मान लीजिए अगर ये गैप अप खुलता है 18,375, 18,400 कुछ भी हो सकता है, गैप अप की बात करते हैं तो ये सब एरिया पर अगर ये खुलता है गैप अप, तो आपको कुछ करना नहीं, ये तीनों ही एरिया सेल का है, ये तीनों ही एरिया सेल का है। नीचे टारगेट बनेगा 18,275 से लेके 18,200 तक का, फिर टारगेट आपको बन जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, मैक्सिमम और खराब हुआ तो 18,150 तक भी आ सकता है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर लीजिए 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप अप का होगा, लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो नीचे खुल जाए ये 18,000 पे डायरेक्टली और 17,950 पे और 17,900 पे, ठीक है, ये तीन लेवल, तो ये तीनों ही लेवल पे आप बाय ऑन डीप करेंगे, 17,900 पे भी बाय, 17,950 पे भी बाय, 18,000 पे भी बाय करेंगे। और अगर नीचे आता है बाय करने के बाद तो क्वांटिटी और एड कर लेंगे गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट ऊपर हो जाएगा 18,050 से लेके 18,150 तक के टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि जो मैं आपको कॉल देता हूँ, फ्री सर्विस देता हूँ, फ्री सेवा देता हूँ, वो आपको कैसा लगता है और मेरा ये एनालिसिस कैसा लगता है, पसंद आता है, आपके काम आता है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था एक्सपायरी डे के लिए, और नजर रखिए बैंक निफ्टी ने जबरदस्त काम किया, और मैं फिर से बता दूं हो सकता है ये नीचे का काम खत्म कर चुका है, नीचे नहीं जाए, अगर अगर जाता है तो फिर आज के लो को उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 43,400 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा और निफ्टी को 18,100 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा तभी, नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।